1948 में उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बच्चा सोच रहा है कि बुक से कराएंगे नहीं, क्यों नहीं कराएंगे बेटे, मुझे आपसे प्यार है, क्यों नहीं कराऊंगा बेटे, अभी तो आप दोस्तों से, अपनों से अपनी सी बातें कर रहा हूँ बेटे, चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, ऐसी छोटी छोटी बातें मत करो कि बुक से नहीं कराएंगे, यहाँ से नहीं कराएंगे, नहीं बेटा क्यों नहीं कराऊंगा, आप मेरे दो बेटे, आप बस जो जो मैं कहूं बेटे करते जाओ, आप इसको रजिस्टर में लिख रहे हो मुझे पता है, भले ये सब कुछ अभी बुक में भी होगा लेकिन बेटे जब लिखोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा। तो बेटे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने कहा जिसके पास सीओपी है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकता है, स्टेट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, और या क्या इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। एक बच्चा कहता है क्या वो दोनों एक ही कंपनी का बन सकता है, क्या बातें कर दी बेटे, इसका मतलब आपने ध्यान से मेरे लेक्चर सुने ही नहीं बेटे। प्रैक्टिसिंग सीए या तो एक्सटर्नल बनेगा या इंटरनल बनेगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैसे बेटे, एक ही तो बन सकता है ना बच्चे। और बेटे इस बार के कंपनीज एक्ट 2013 ने कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए, जो बच्चे सीएम में कर रहे हैं उनको खुश होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए भी का भी ऑप्शन रख दिया कि भाई इंटरनल ऑडिटर या तो ये बन सकता है या कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है। अब कॉस्ट अकाउंटेंट भी उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रैक्टिसिंग होना चाहिए या नहीं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, लॉ को कैसे हम पढ़ रहे हैं, लॉ में अभी हम देखेंगे लिखा हुआ है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट देयर इज नो लाइन लाइक दिस इन अ कॉस्ट अकाउंटेंट। इट मींस कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग। तो बेटे बेटे उसके बाद तीसरी बात लिखी है और एनी अदर प्रोफेशनल एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई दूसरा प्रोफेशनल नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब कोई दूसरा प्रोफेशनल सरकार ने अपने पास पावर रख ली कि भाई इनमें से भी कोई भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। तो वो दिन दूर नहीं जब इस प्रोफेशनल की लिस्ट में कंपनी सेक्रेटरी का भी नाम आ जाए, आ सकता है बेटे, बिल्कुल आ सकता है बेटे। तो मन छोटा नहीं करना कंपनी सेक्रेटरीज में बेटे, मन छोटा नहीं करना, आ सकता है। और बेटे एक बड़ी गलत बात लॉ में मेंशन कर दी, इवन द इंप्लॉय ऑफ द कंपनी कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर। बेटे ये थोड़ी पचड़े की बात दिख रही है मेरे को, इसमें पचड़ा है, पचड़ा क्या, इसमें कुछ दिक्कत है बेटे। जब हम कहते हैं कि इंप्लॉय भी बन सकता है इंटरनल ऑडिटर, बेटे इंप्लॉय तो वैसे ही डरा रहता है बेचारा, इंप्लॉय तो वैसे ही दबके रहता है मैनेजमेंट के नीचे, तो वो किस तरह से सुझाव दे पाएगा, वो इंडिपेंडेंस कैसे हो पाएगा बेटे, वो तो नियम कायदों के अंदर ही मर जाएगा, उसके कंधे तो बेटे इंडिपेंडेंस का मजा ले ही नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 138 में इंप्लॉयज को हटाना चाहिए, लेकिन है बेटे है, मैं तो पहले लॉ बता रहा हूं फिर बता रहा हूं कि क्या हटाना चाहिए, क्योंकि बेटे कहीं ना कहीं आप ये बताइए जब वो इंप्लॉय है तो बेटे वो तो दब के रहेगा किससे बेटे, मैनेजमेंट के दबाव में, और किससे डर के रहेगा बेटे, जब मैनेजमेंट के दबाव में दब के रहेगा तो बेटे मान लो किसी दिन सफाई वाला नहीं आया, झाड़ू पोछा नहीं हुआ, तो बेटे उस दिन ये इंटरनल ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो कैश बुक ना मांगे, क्योंकि मैनेजमेंट कहेगी एक तो सफाई वाला नहीं आया, ऊपर से तुम बक बक कर रहे हो, चुप रहो, तो बेटे वो चुप रहेगा,
और बड़ी बात नहीं कि उसको सफाई और झाड़ू में भी मदद करनी पड़ जाए। बेटे जमाना है ना, आपको जो पैसे दे रहे हो और आप जिसके नीचे काम कर रहे हो बेटे, आपको सारी बातें समझनी पड़ेंगी। अभी तो बेटे जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना तो खुद आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी जो मैं कह रहा हूँ। बेटे लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स कई बार करनी पड़ जाती है, पूरी लाइफ ही बेटे एडजस्टमेंट्स का ही प्रतिबिंब है। तो मैं आपसे अभी तक मैंने ये बताया हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर। अब बेटे स्कोप की बात हुई, स्कोप बेटे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर, फिर बेटा हम एक साथ आएंगे बुक से पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बेटे कहते हैं बेटे जिसने जन्म दिया है, गाना भी है तुम्ही ने दर्द दिया, आहा तुम्ही ने दर्द दिया दवा भी तुम ही देना। एक गाना बेटा बहुत पुराना सा, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना, मतलब तुम्ही ने हमें अपॉइंट किया और तुम्ही हमें बता देना कि हमारी पावर्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमें कितनी गहराई में जाकर चेक करना है। बेटे ये सारी की सारी बातें आपको पहले मैनेजमेंट बताएगी। और बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें ना बेटे एक ऑडिट कमेटी बनी होती है। बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बेटे उसमें ऑडिट कमेटी बनी होती है। और बेटे उस ऑडिट कमेटी के थ्रू मैनेजमेंट के साथ बेटे इस इंटरनल ऑडिटर की स्कोप डिफाइन की जाएगी, उसकी मेथोडोलॉजी डिफाइन की जाएगी कि इसको कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करने हैं और कितना गहराई में जाकर चेक करना है। मतलब इंटरनल ऑडिटर की पावर्स, इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटीज, इंटरनल ऑडिटर की स्कोप, इंटरनल ऑडिटर को कहां तक पहुंचना है, ये सारी बातें कंपनी की ऑडिट कमेटी और मैनेजमेंट मिलकर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटे जैसे आपने देखा है कठपुतली का एक पतला सा धागा होता है, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, तो अभी भी इंटरनल ऑडिटर को कठपुतली जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। बेटे ध्यान से देखें, बेटे गहराई से अब आइए जी हम इन सभी चीजों को बेटे हम सभी चीजों को ध्यान से बुक में से देखेंगे। बेटे मैंने जो भी कुछ अभी तक बताया, मैंने आपको बेसिक चर्चा, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें बताई। बेटे आइए बेटे हम सब एक बार बुक से भी थोड़ा सा जरूर देखेंगे, फिर स्लाइड्स में आएंगे। बेटे लो जी लो पहला क्वेश्चन आ गया बेटे, डिफाइन द टर्म इंटरनल ऑडिट। देखो बेटे मैंने किस तरह से कलरफुल कर दिया है, आराम से देखो। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइंड टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। हाईलाइट कर दीजिए इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। बेटे ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए इंटरनल ऑडिटर का जन्म हुआ। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस। इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स विद डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस कल्चर सिस्टम एंड प्रोसेसेस। तो बेटे फ्लो चार्ट में आ जाइए, जो मैंने बताया वही है बेटे इंटरनल ऑडिट। इट हेल्प्स इन
ऑर्गेनाइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। बेटे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, बेटे इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट इंटरनल कंट्रोल इज एडिक्वेट। जो इंटरनल कंट्रोल है बेटे वो एडिक्वेट है। इट इज यूजफुल इन मिटिगेटिंग रिस्क, कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। रिस्क की असेसमेंट करना, रिस्क असेसमेंट करना बेटे इंटरनल ऑडिट का काम है। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। इवैल्यूएशन रिस्क, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, सेफगार्ड एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉस। तो बेटे अंदर का व्यक्ति है, जैसे हम सबके घर में दादाजी होते हैं बेटे, दादाजी सुबह से लेकर रात तक लगे ही रहते हैं। दादाजी, दादी जी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा लगे ही रहते हैं बेटे। पापा ही पापा, मम्मी मम्मी, हम सबकी जॉइंट फैमिलीज अगर हैं तो हम देखते हैं कि उनमें बड़े जो लोग होते हैं वो काम नहीं करते, लेकिन वो इंटरनली हर चीज का ऑडिट करते रहते हैं, सिस्टम को चेंज कराते हैं। तो बेटे मैं कहता हूं इसका नाम है इंटरनल ऑडिट। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन द नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट। बेटे सीए में आ चुका, बेटे सीएस में आ चुका, बेटे सीएमए में आ चुका। कसम होगी अगर आपने हाइलाइटर अपने पास नहीं रखा होगा बेटे, 10 रुपए का हाइलाइटर है, 6 महीने बचा सकता है आपके। फिर क्या समझदारी और क्या चलाकी, ये आप अपना ही फायदा नहीं सोच रहे। तो बेटे आइए क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, सेकंड की तरफ। मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, पहली बात हाईलाइट कर दीजिए, मैनेजमेंट का टूल है। देखो मैंने हाईलाइट किया मैनेजमेंट टूल। दूसरा पॉइंट हाईलाइट करिए, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज। तीसरा करिए कंट्रोल सिस्टम। फोर्थ करिए रिस्क मैनेजमेंट। चार बातें बेटे मैंने लिखी है। पहला पहला मैनेजमेंट टूल है बेटे, ये टूल है। जैसे रावण के पास टूल था, जैसे मेघनाथ के पास अंदर की शक्तियों को जागृत करने का टूल था। आपको मालूम है उस दिन रात को जब अगले दिन लक्ष्मण के साथ लड़ाई करनी थी मेघनाथ ने, तो अपने पिताजी रावण को कह दिया कि पिताजी कल मैं लड़ने जाऊंगा और मैं पूरी रात मंत्रों का जाप करूंगा अपनी कुल देवी का, और मेरे आसपास क्या आ जाएगा, एक एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो बेटे वो इंटरनली ऑडिट था, अपने आप जागरण करने की बातें थी। वो बात अलग है कि उसकी तपस्या भंग हो गई, लक्ष्मण ने भंग करा दी विभीषण ने लक्ष्मण के थ्रू, लेकिन बेटे इंटरनल ऑडिट का मतलब है खुद पहचानो अपने आप को कि आप कहां पे खड़े हो। बेटे इंसान को अपने बारे में तो पता होता ना, आपको अपने बारे में पता ना कि आप कितने पानी में और कितने बाहर हो। बहाने एक तरफ, अंदर से आप अपना ऑडिट कर सकते हैं ना कि आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, कितना पढ़ते हो और कितनी प्रेजेंटेशन देते हो, फिर आप कहते हो हम पास नहीं हुए। अरे अपने आप को पहले पहचानो और अपना ऑडिट करो बेटे, उसी का नाम है इंटरनल ऑडिट। तो देखिए जी यहां पर हमारे नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट में, इट इज अ मैनेजमेंट टूल, इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज, लगातार रेगुलर चलती रहती है, बंद नहीं होती। इट इज अ कंट्रोल सिस्टम, बेटे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको डायरेक्टली चेक करना, इट इज अ कंट्रोल सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट टूल, बेटे रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है, रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है। तो आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट याद कीजिए, मैं भी सुनूंगा, पढ़िए आप पूरा, मैंने तो हेड पॉइंट्स पढ़े। अब मैनेजमेंट टूल, इंटरनल ऑडिट इज मैनेजमेंट टूल परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉय भी हो सकता है, और द एंगेज्ड प्रोफेशनल फर्म, या तो किसी फर्म को, टू
check the appropriateness of internal checks and control. The reporting authority is generally बेटे किसको रिपोर्ट देनी होती है? मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी को, क्योंकि बेटे वो ही तो गवर्न कर रहे हैं. Continuous exercise. Internal audit is a continuous and a systematic process of examining. लगातार जैसे नदी का पानी बहता ही रहता है, Internal audit में बेटे लगातार चलती रहती है. A control system and a risk management tool. The internal audit work encompasses fastening the creation of risk management process. तो बेटे जल्दी से याद कर लें. मैं next page की तरफ बढ़ूंगा. और मैं चाहूंगा कि आप उसको ईमानदारी से याद करें. बड़ी मेहनत से बुक बनाई है और बड़ी मेहनत से देखिए फोटोज आपके सामने आ रही हैं. बेटे मेहनत की है. आप ऐसी बुक दिखा दो किसी की हो बेटे दो. और इस तरह जो जिस तरह से मैं प्यार से आपको अपना समझ के लेक्चर्स बना रहा हूँ, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर यूट्यूब में डाल रहा हूँ, बेटे नहीं है, नहीं है बेटे. मैंने यूट्यूब छान ली, आप भी छान लो, फिर भी नहीं पाओगे मेरे बिना किसी को. देख लो बेटे, आइए बेटे. Who can become internal auditor? ठीक है जी. Subsection 1, such class or classes of company as may be prescribed shall be required to appoint an internal auditor who shall either be, underline करिए, highlight करिए, देखिए मैंने तो किया है, either be a chartered accountant, जो chartered accountant होना चाहिए, और a cost accountant, पहला chartered accountant हो सकता है, दूसरा cost accountant हो सकता है, और a professional as may be described by the board to conduct internal audit of the functions of the company. इसका मतलब board of directors, CA और cost accountant के अलावा company secretary को, employee को भी internal auditor बना सकते हैं. ठीक है जी. Company is required to appoint internal auditor. ये तो बात बेटे मैंने बताई. Listed company, unlisted के 4 मापदंड, private limited के 3 मापदंड. बेटे आइए, every listed company, वो कहता है हर listed company को, चाहे वो छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे जैसी भी हो, appoint करना पड़ेगा. Every unlisted company having, और देखिए मैंने किस तरह से highlight किया बेटे. आउटस्टैंडिंग लोन्स के ऊपर 100 लिखे, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के ऊपर 25 लिखे, और मोर. ड्यूरिंग द preceding financial year, मैंने आपको बताया जिस ईयर में ये मापदंड पूरे होंगे, उस ईयर में नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर में आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. तो एवरी प्राइवेट कंपनी में आ जाइए बेटे, उसमें टर्नओवर 200 करोड़ की, बेटे शेयर कैपिटल तो होती नहीं उसमें, पेड अप शेयर कैपिटल बाहर से तो लेते नहीं, और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स 100 करोड़ की, प्रोवाइडेड दैट एन एग्जिस्टिंग कंपनी दिस. तो आराम से बेटे आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको सारे मापदंड याद करा दिए. एक मिनट लगाकर याद करें किस किस कंपनी को किस किस बेंचमार्क में इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी है. एवरी लिस्टेड कंपनी, मेरे साथ साथ बोलिए, ऑल लिस्टेड कंपनीज, एवरी अनलिस्टेड कंपनी इफ एनी ऑफ द 4 क्राइटेरियास फुलफिल्स, इफ एनी ऑफ The 4 criteria fulfills. पहला criteria
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बेटे एंड नहीं लिखा कि ये भी ये भी ये भी और ये भी नहीं लिखा, भले चारों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी पूरी हो तब भी उसको इंटरनल ऑडिट कराना है। और टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस और मोर एट एनी पार्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और 25 करोड़ डिपॉजिट्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप ले चुके, जल्दी से बेटे याद करें, मैं रुका हूं बेटे। पेड अप शेयर कैपिटल 50, पेड अप शेयर कैपिटल 50, टर्नओवर 200। बेटे शेयर कैपिटल कम होती है, टर्नओवर तो ज्यादा होती है, तो वो 50 वो 200, बोरिंग 100, डिपॉजिट 25, 50, 200, 100, 125, 50, 200, 125, 50, 200, 125, 50, 200, 125, 50, 200, 125, 50 क्या बोलो शेयर कैपिटल, 200 क्या बोलो टर्नओवर, 100 क्या बोलो बोरोइंग्स, 25 क्या बोलो डिपॉजिट्स। और प्राइवेट कंपनी में बेटे टर्नओवर 200, बोरोइंग 100, बस दो ही क्राइटेरियाज हैं। इन कंपनीज को ऑडिट कराना कंपलसरी है। मैं आ गया बेटे आगे स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। बेटे कंसेप्ट नंबर 4 में आ गया हूं बेटे, एक या दो कंसेप्ट और रह गए, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटे। फिर थोड़ी सी पीपीटी दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है। स्कोप क्या है बेटे, मैंने कहा ना जिसने दर्द दिया वही दवा देगा, तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा दोगे बेटे। जिसने उसको अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ऑडिट कमेटी ने, गवर्नेंस बॉडी ने बेटे, वही अपने आप सलाह मशवरा करके उसके हक और उसकी ड्यूटीज और उसकी मेथोडोलॉजी और उसकी पावर्स सब बताएगी। मैं नहीं बताऊंगा, वो ही बताएंगे। तो आइए स्कोप में देखिए बेटे, मैंने आमिर खान की फोटो रख दी है। आमिर खान आप इस चित्र में देखें, कितना बढ़िया चित्र बनाया आपके लिए बेटे समझाने के लिए। इंटरनल ऑडिटर आमिर खान है, वो क्या कह रहा है, आई विल हेल्प यू इन रनिंग योर कंपनी, अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इथिकली। कौन कह रहा है, इंटरनल ऑडिटर कौन है, आमिर खान। आमिर खान, आमिर खान किसको कह रहा है, मुझको नहीं, गवर्नेंस को, गवर्नेंस बॉडी को, ऑडिट कमेटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बेटे स्कोप में पहला, दूसरा रिस्क मैनेज करेगा, रिस्क मैनेजमेंट कि भाई कोई इलीगल डिटेक्टिव डुप्लीकेट गुड्स तो नहीं आ गई। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, थर्ड, फोर्थ मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बस बेटे यही उसकी स्कोप हो सकती है, अब कितनी गहराई में जाना है वो मैनेजमेंट बताएगी। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिक्स, मैक्सिमम वर्क्स कैन एन इंटरनल ऑडिटर कैन डू। छह काम ही कर सकता है इंटरनल ऑडिटर। पहला गवर्नेंस, हेल्प द मैनेजमेंट इन गवर्निंग द कंपनी। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क है कहां और उस रिस्क को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या करें कि वो रिस्क ना हो, आग लगने का रिस्क ना हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस का रिस्क ना हो, तो ये क्या करें। पहले रिस्क को ढूंढना और फिर रिस्क को मैनेज करने की तरकीब बताना। थर्ड रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही है मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक, उन सभी को रिव्यू करना और उनमें कमियां ढूंढना, इंप्रूवमेंट्स बताना, वीकनेसेस देखना। बेटे ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, उसके पास तो टाइम नहीं है बेटे सर खुजलाने का। बेटे आपको पता है
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के घर वाले क्या बोलते हैं इनको? ये तो जानवर है जानवर। सुबह मुर्गे से पहले तो मुर्गे जैसे तो उठते, घोड़े जैसे ऑफिस में रोज भाग जाते, गधों जैसे रोज काम करते हैं, और रात जब हो जाती है, जब बच्चे सो जाते हैं तो आते और कुत्तों जैसे भौंकते हैं, और रात को सांड जैसे सो जाते हैं, और जब तबीयत खराब होती है तो हम इनको जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। बेटे ये नॉर्मल डॉक्टर के पास जाने लायक नहीं होते, क्योंकि मरते नहीं है ये बेटे। जब देखो कंपनी एक्ट, जब देखो इनकम टैक्स एक्ट, जब देखो एसए, जब देखो जीएसटी, कब्र खोद के देख लो, ये फिर भी पढ़ते हुए पाए जाएंगे। तो बेटे छह काम करता है इंटरनल ऑडिटर। स्टेट्यूटरी ऑडिटर के पास टाइम नहीं है बेटे, क्योंकि बेटे लास्ट डेट जीएसटी की, लास्ट डेट वैट की, लास्ट डेट रिटर्न्स की, आरओसी की, इनकम टैक्स की, वैसे ही मर जाता है बेटे वो तो। बेटे आओ स्कोप में दोबारा से एक बार याद करेंगे, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले थी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फोर्थ रिव्यू एंड कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, रिव्यू एंड कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, और बेटे लास्ट है रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आराम से बेटे देखो, बड़ी मेहनत से ये फोटो बनी है, याद करेंगे बेटे। गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर उसके बाद क्या था बेटे, रिव्यू मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, और रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटे समझ के याद करेंगे तो याद होगा, रिव्यू तीन बार यूज हुआ है, मैंने तो याद भी कर लिया, छह का छह आपके सामने बताता हूं। सबसे पहले गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बेटे इन टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेटे रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और बेटे लास्ट है रिव्यू एंड कॉम्प्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ और स्कोप को मैं डिसाइड कर रहा हूँ। बेटे बड़ी मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है, इन सभी के ऊपर नरेशन लिखी है बेटे, फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, इसकी नंबरिंग ठीक कर ले बेटे, मैंने ना इनकी नंबरिंग भी डाल दिया है। तो पहला जो ई पॉइंट है उसको नंबर वन कर दें, गवर्नेंस, और जो रिस्क मैनेजमेंट है डी पॉइंट उसको नंबर टू कर दें बुक में, और जो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल है उसको नंबर थ्री कर दें, और जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है उसको नंबर, अच्छा इंटरनल कंट्रोल को नंबर फोर कर दें, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को नंबर फाइव कर दें। बेटा नंबरिंग ठीक कर लें, जो मैंने अभी स्टेप बताए वही है, एक बार पढ़ लें। पहले हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और एथिक्स एंड वैल्यूज एंड परफॉर्मेंसेस। प्लीज एक बार पढ़िए बेटे, मैं टाइम दे रहा
बेटे याद है ये मैंने बताया था छह चीजें, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटे ये सारी चीजें स्कोप में आ रही हैं कि भाई ये काम करेगा और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। और बेटे मैंने समझा दिया है तो मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। बेटे बस आखिरी के 5-6 मिनट रहे हैं, आप ईमानदारी से चेक करें कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। बस दो ही कंसेप्ट रहेंगे जो मुझे बताने हैं। बेटे कंसेप्ट नंबर 5, टेक्निक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। वो क्या करेगा, क्या टूल्स इस्तेमाल करेगा जिससे वो अपना फंक्शन कर पाए। सोचिए बेटे, आप इंटरनल ऑडिटर हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उस पूरी कंपनी के सिस्टम को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसमें से गलतियां और कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। सोचिए कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर बन जाएं तो आप क्या क्या करने वाले हैं। आप बेटे अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, और उस पूरे सिस्टम को स्टडी करेंगे ध्यान से बेटे, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसमें से कुछ कमियां निकालेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे और बेटे उसको ऑडिट कमेटी से डिस्कस करके उसका फॉलोअप कराएंगे। बेटे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू करना पड़ेगा, तो ये टेक्निक हो सकती है। अकाउंट्स की डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा, तभी तो आप इंटरनल ऑडिट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। तो देखिए जी क्या लिखा है टेक्निक्स में। पहली टेक्निक लिखी है रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। बेटे यहाँ पे ये भी था, ये देखो रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कह दें, एक ही बात है बेटे, मिलती जुलती चीजें, ज्यादा कोई डिफरेंट है नहीं। दूसरा रिव्यू ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे भी था बेटे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो बेटे वही बात है। तीसरी है टेस्ट कंट्रोल और फोर्थ है बेटे फोर्थ है अकाउंट्स कंट्रोल, अकाउंट्स डिटेल। तो बेटे मैं तो चाहूंगा कि आप बस आज के आखिरी पॉइंट में आ जाएं, क्योंकि बेटा वो मिलती जुलती उसने छोड़ दिया मैंने। द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, establish and communicate the scope and objective for audit। देखिए कितना सुंदर मैंने चित्र प्रिपेयर किया है, कितना बढ़िया हाईलाइट किया है। बेटे इससे क्या होता है, मेरा मन बार बार इस बुक को देखने को करता है, तो मेरे को वो चीजें अंदर बस जाती है, मेरी आंखों से जाती है और अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है बेटे, तो देखिए जी प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है व्हाट इज द स्कोप एंड हाउ मच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना। डिस्क्राइब की रिस्क एरियाज, उसमें कहां कहां पे रिस्क है उसको डिस्क्राइब करना। आइडेंटिफाई कंट्रोल प्रोसीजर्स, और उसको कवर करने के लिए हमने क्या कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलो किए हुए हैं या नहीं। एग्जीक्यूट सैंपलिंग एंड टेस्टिंग अप्रोच, उसमें सैंपलिंग अप्रोच से उसकी गहराई तक जाना, एक सैंपल उठाना उसकी वर्टिकल अप्रोच लगाना गहराई तक जाना। रिपोर्ट प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई उसको रिपोर्ट करना किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को, और फिर फॉलो अप करना। प्लीज क्लास के 2-3 मिनट रह चुके हैं, इंटरनल ऑडिट का लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 1 है इस समय। इस समय हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर 6 है। तो बेटे प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट में आ गए। प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट में सबसे पहला काम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को बताना और निकालना। दूसरा डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, बिजनेस को डेवलप करना और उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी। डिस्क्राइब की रिस्क एरियाज, आइडेंटिफाई कंट्रोल प्रोसीजर्स, एग्जीक्यूट सैंपलिंग एंड टेस्टिंग अप्रोच, रिपोर्टिंग द डेविएशंस और प्रॉब्लम्स, नेगोशिएट एक्शन प्लान्स एंड फॉलो अप।
बेटे यही तो काम है इंटरनल इंटरनल ऑडिटर का, अपनी जबरदस्ती से नहीं कर सकता। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप प्लीज इसको याद करें, तभी इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस को याद करें, प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। पहला 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 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट को डिफाइन करता है। तो पहले तो आपको स्कोप पता होगा, ऑब्जेक्टिव पता होगा, ठीक। दूसरा दूसरा डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, उस बिजनेस को डेवलप करना और अंडरस्टैंड करना, उसमें से रिस्क एरियाज निकालना, फिर सैंपलिंग करके उसका कंट्रोल प्रोसीजर करना, फिर सैंपलिंग से उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए एक्शन प्लान करना और फिर फॉलो अप करना। नहीं बेटे याद नहीं हुआ, 1 मिनट और लगाइए ना बेटे। बेटे मैं चाहता हूं कि आपकी ऑडिटिंग लॉजिकली आपको समझ आ जाए बेटे, फिर याद करने में आसानी होती है। तो बेटे मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की। दोबारा से बेटे लास्ट टाइम एक बार, प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट डिफाइन कर देंगे, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, उस बिजनेस को डेवलप करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, फाइंडिंग आउट द रिस्क एरियाज, आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल प्रोसीजर्स, डूइंग सैंपलिंग एंड प्रोसीजर्स, एंड फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, एंड देन एक्शन प्लान, सजेस्टिंग एन एक्शन प्लान, और लास्ट में उसका फॉलो अप। खाली कमियां निकालना नहीं बेटे, दुनिया निकालती है कमियां, आप तो अपने हो, अपने तो अपने ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं बेटे, कमियों को दूर कैसे करना है ये भी तो आप ही का काम है। तो बेटे प्लीज, मैंने आज के लेक्चर में, लेक्चर 1 में इंटरनल ऑडिट की बातें की है, अभी हमने 6 कंसेप्ट तक किया है, आधे से ज्यादा काम हो गया। अब हम जब लेक्चर 2 में मिलेंगे तो मानिए कि बहुत कम रकम रह गया। आइए थोड़ी सी मैंने पीपीटीज प्रिपेयर की है, एक बार उसको देख ले बेटे, एक बार बेटे पीपीटीज देख ले, ये देखिए कि इंटरनल ऑडिट। आप बेटे पिज्जा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, लेकिन आंवले नहीं खाते। आंवले जो है ना, अंदर से अंदर से अंदर से आपको मजे देते हैं। तो बेटे इंटरनल ऑडिटर भी आंवले हैं, ठीक है जी। घी बेटा, जो घी पीते हैं ना, अंदर से मदद करता है, अंदर से, वही काम है इंटरनल ऑडिटर का। बेटे दूध, घी, आंवले, ये बेटे इंटरनल ऑडिटर है, पूरे 12 महीने लगा रहता है चेक करने में बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल प्रोसेसेस, रिस्क असेसमेंट, सजेशंस, एक्शन प्लान, फॉलो अप, बेटे यही काम चलता रहता है। हु कैन बिकम एन इंटरनल ऑडिटर, मैंने बताया, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय ऑल्सो, अकाउंटेंट भी बन सकती है, लिटिल मिडिल मिस अकाउंटेंट ये भी बन सकता है। बेटे किस किस को अपॉइंट करना जरूरी है इंटरनल ऑडिटर, प्राइवेट कंपनीज के 2 मापदंड, पब्लिक लिमिटेड अगर लिस्टेड है तो सारी को, नॉन लिस्टेड है तो बेटे टर्नओवर 200, पेड अप 50, बोरोइंग 100, डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रोसेस है बेटे, फिर हमने प्रोसेस देखा, फिर उस प्रोसेस को समझा कि इस प्रोसेस में इस तरह से जाना है। बस बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे आज फिर विदा लूंगा, फिर मिलेंगे बेटे।